चेहरे की मुस्कान दिखाती है कि किस तरह ऑटो ड्राइवर अनूप के परिवार का मुकद्दर अचानक बदल गया। त्रिवंतपुरम के रहने वाले अनूप ने केरल सरकार की ओणम बम्पर लॉटरी में 25 करोड़ का जैकपॉट जीत लिया है। अनूप के 25 करोड़ की लॉटरी लगने की कहानी बेहद दिलचस्प दिखाई देती है। अनूप ऑटो ड्राइवर बनने से पहले एक होटल में कुक का काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। 500 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदने वाले दिन अनूप के पास पैसे कम थे, तो 2 साल के बेटे का गुल्लक तोड़ना पड़ा। लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद अनूप ने मलेशिया के वीजा के लिए आवेदन किया, जहां वो कुक बनना चाहते थे। मलेशिया जाने के लिए पैसे कम थे तो अनूप ने एक सहकारी बैंक से 3 लाख रुपए के लोन का आवेदन किया, लेकिन फिर उनकी 25 करोड़ की लॉटरी लग गई, जिसके बाद अनूप ने कहा, मैंने एक सहकारी बैंक से 3 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था। मेरे पास बैंक से फोन आया कि आपका लोन पास हो गया है, तो मैंने उन्हें जानकारी देते हुए कहा कि अब मुझे आपके लोन की जरूरत नहीं है। 25 करोड़ रुपए की लॉटरी ने अनूप की जिंदगी बदल दी है और अब वो मलेशिया भी नहीं जाना चाहते। अनूप का परिवार लॉटरी लगने का जश्न मना रहा है और उनके 2 साल के बेटे का भविष्य भी खुशहाल हो गया है, जिसके गुल्लक को तोड़कर अनूप ने लॉटरी का टिकट खरीदा था। हालांकि अनूप को 25 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद 15 करोड़ 75 लाख रुपए ही मिलेंगे और बाकी पैसे टैक्स में कट जाएंगे, लेकिन फिर भी ये रकम इतनी बड़ी है जिसे कम से कम एक ऑटो ड्राइवर तो कमाने के बारे में नहीं सोच सकता।